गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं टूर पे, नेपाल जा रहे हैं। और नेपाल से हम लोग इतने नजदीक हैं कि बिना वीजा का, वीजा लगता है जी कभी? वीजा लगता ही नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे भी बहुत ही नजदीक है नेपाल से, 5 किलोमीटर के दूरी पे है। तो हम लोग स्टाफ टूर पे जा रहे हैं, सब लोग आगे निकल चुके हैं, हम लोग अभी जंगल नहीं है। और आपको दिखाते हैं वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो बने रहे ना बने ब्लॉग में। देखिए गाइस, ये दोनों साइड में वो है जंगल है, और हम लोग बीच रास्ते से जा रहे हैं। लगभग कितना किलोमीटर होगा जंगल? 4-5 किलोमीटर पूरा जंगल ही है। तो कभी कभी इधर से जानवर भी निकल जाते हैं, हिरन सब तो नॉर्मल बात है, निकल जाते हैं। और रास्ता इसलिए इसको नहीं बनाया गया है ठीक से, क्योंकि जानवर को इससे बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और एक दिखी है पीछे। तो गाइस, सबसे तो टावर नहीं चल रहा है, नेट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अदर कंट्री में आ गए हैं। कहाँ पे है? तो गाइस, हम लोग हिरन को ढूंढ रहे हैं। अब देखो गाइस, बहुत है कि हमारा नौटंकी बा। चलो इधर साइड में, गाड़ी आ रहा है। तो गाइस, ये थोड़ी है नेपाल से जस्ट कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग सर, उनका ध्यान ही नहीं गया थी। तो ये थोड़ी है, और थोड़ी में हम लोग इन कर लिए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं हम लोगों का वहां पे। देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। हमको तो कॉल नहीं करा। बोलो गाइस। हेलो गाइस। और हम लोग नेपाल में एंट्री करने ही वाले हैं, थोड़ी में है। देखिए ये कैंप है, और ये हमारे इंडिया का है नहीं कैंप? यस, ये हमारे इंडिया का कैंप है, जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है। ओनली बाइक पार्किंग, गो स्लो, स्लो कीजिए। और देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर चेकिंग कराया जाता है। देखिए वो नेपाल है, और हम लोग इंडिया। आपको दिखाते हैं अच्छा तुम्हारा भाई। देखिए गाइस, ये है आपका भारत, और ये हो गया आपका नेपाल। तो मैं अभी आ गई हूँ। चले देखो कनी उ कर करे तू। चलिए कहाँ गया? चलिए। और ये है नेपाल का फूल, सब लोग आप देख सकते हैं। ये डर दिख रहे हैं, खौफ, ये खौफ। सब लोग हेलमेट लगाए हुए हैं, ये कुछ नहीं है, बस डर है, खौफ है। तेरे अरे वो दे देगा। तो हम लोग नेपाल में एंट्री ले लिए हैं क्या? आपको दादा खुश न परी जाने जहाँ, ब्यूटीफुल सैंडल या साबुन निर्मा। स्टैचू देख रही है, लाइन वहाँ पे लाइन है। देखिए ये देखो ना कितना बड़ा है। आई लव थोरी। देखिए तो यहाँ पे हम लोग रूट पे वो डिसीजन ले रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या अपनाया जाए, क्या नहीं अपनाया जाए। घास मिल गया है। तो देखिए गाइस, हम लोग होटल में आए हैं, और इतना अच्छा ये मछली बना रहे हैं। तो गाइस, ये हिरवा को देखिए। तो गाइस, ये नेपाल का नजारा देखिए। सब लोग आगे चले गए हैं, और लोग पीछे हैं, और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। शायद वही लोग हैं जो हमको छोड़ के भाग गए हैं।
मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे हैं। तो नेपाल में आप आए छोरी में और आप झुलनी पुल नहीं देखे तो फिर क्या देखे। ये है एक, वहां से हम लोग आए, वहां पे हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। और बोलो कैमरा मैन जल्दी फोकस करें, मैं ली हूँ मेरे पास है। ये लाल पहाड़ है, ये लाल पहाड़ है। तो गाइस देखिए ये लाल पहाड़ है और हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। रास्ता कभी देखे नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो उधर से चढ़े थे पूरा पैदल के रास्ते से, और अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं तो एकदम खाड़ पड़ रहा है, खाड़ पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है, खड़ा पड़ रहा है। रास्ता शायद नया ही बना है, देखिए ना अभी पेड़ सब हरा ही है, देखिए लग रहा है कि हम लोग पहुंच ही गए हैं। रास्ता बहुत ही खराब है, डेंजर है, डर भी है। वाओ इधर इधर की इधर। तो गाइस अभी फीलिंग आ रहा है कि हम लोग पहाड़ में आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना ऊंचाई पे हैं। आप लोग अच्छा से दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा मोबाइल खराब है, कम दाम का है, और आपको ज्यादा मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं और ज्यादा नीचे चली जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। कम कम हम लोग आ गए हैं ऊपर। कौन सा मंदिर है, क्या नाम है, ढेलो माई वनशक्ति माई, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट हाइट पर है। मैं कभी आई नहीं, सॉरी। मैं यहाँ पर फर्स्ट बार ही आई हूँ और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चारों तरफ बैठने के लिए बनाया गया है, बैठने के लिए बनाया गया है लेकिन अभी उतना सुविधा नहीं है, शायद स्टार्टिंग हो रहा है। नहीं तो बैठने के लिए देखें कितना अच्छा बनाया गया। ए चेक जी, हम लोग अपने वहाँ पे बना सकते हैं नहीं ऐसा बैठने के लिए घर पे ना? हाँ बहुत ज्यादा बना सकते हैं। तो देखिए ये है आपका क्या है जी, टावर, टावर टावर नहीं है, सीढ़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बाप रे। देखिए हम लोग जा रहे हैं ऊपर और उससे भी रास्ता, आई बाप रे। हे नाथ, हे प्रभु, हे केशव, हे नाथ, हे नारायण, हे शिव गुरु। देखिए ओहो, तो गाइस हम लोग चले आए ऊपर, ऊपर तो आ गए हैं, अब नीचे कैसे जाएंगे ये तो भगवान ही जानेंगे, बाप रे। लेकिन आ गए हैं ऊपर। ओके चेक जी, मैं आपके पीछे पीछे आ गई और आप लोगों को सीन दिखाने के लिए। देखिए बच्चे सब वहां पे खेल रहे हैं, बाकी लोग इधर हैं। ओके तो देखिए गाइस ये जो है मनकामना घर है, यहाँ पे आप जो भी विश मांगेगा ऐसा बोला जाता है कि वो पूरा हो जाता है, लेकिन एक शर्त है कि आपको एक हाथ से इसको बांधना होता है। देखिए बहुत सारे लोग विश मांगे हैं, देखिए मेरे हस्बैंड भी वो कर रहे हैं। यस यस यू कैन डू इट, यस मैं भी कर सकता हूँ, वेरी गुड। तो हम भी यही करेंगे। और कोई जगह ही नहीं है स्पेशल यहाँ पे। यस तो मेरा भी कंप्लीट हो गया। गाइस देखिए हम लोग चाहते हैं यूट्यूबर साहब कि अगले साल तक हम लोगों का गोल्डन बटन आ जाए, इसलिए हम लोग ये विश मांग रहे हैं और ये कंप्लीट हो गया है। कम कम रोड निकल जाए। गाइस अब हम लोग रिटर्न होंगे, रिटर्न होंगे, अभी तो जा रहे जंगल रिपोर्ट अभी जंगल।
रेंजर रिजॉर्ट जा रहे हैं और और सब कहाँ है जी। तो देखिए गाइस, ये आपका नेपाल में ये चीज थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये पुराना पुराना वो है पेड़ सब है जिसका वो जड़ सब है और इसमें ये लोग पत्थर रख रख के इसका थोड़ा सा वो किए हैं, डिजाइनिंग किए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है और आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, हम लोग अब घर जाने के लिए रेडी हैं।